हेलो एवरीवन, द एनडी बीस ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस आज हम जा रहे हैं संगी के घर। ब्लॉग है संगी के यहाँ जा रहे हैं हम। आज हमारी पार्टी है संगी के यहाँ और बहुत लेट हो गए फिर से सेम वो विधि के चक्कर में, क्योंकि उससे हम पहले घर ले गए और फिर उसकी जरा कपड़े चेंज करे, थोड़ा गर्म कपड़े पहनाए तो पूरी ट्रेन खाली है। आज कमी लोग हैं इस ट्रेन में और क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, 8 बज रही है, सैटरडे नाइट है तो ज़्यादा लोग इधर उधर नहीं जाते हैं, तो हम दोनों ही हैं इस बॉक्स में। हम दोनों ही नहीं हैं और भी हैं पीछे, मैं आपको बता रही हूँ। गाइज ब्लॉग को आखिर तक ज़रूर देखना और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़ गाइज। लाइक करते रहोगे शेयर करते रहोगे तो उससे मेरा जो है इंटरेस्ट बना रहेगा। जो ये निशिरोशिमा स्टेशन है ये पूरा रिन्यू हुआ है और काफ़ी अच्छा बन गया है। पहले पता नहीं कैसा था, कभी आई नहीं हूँ वैसे तो। वैसे कम ही आते हैं हम लोग इस एरिया में क्योंकि घर पे हम लोग कम ही मिलते हैं, तो बाहर ही मिलते हैं ज़्यादा, तो घर आने का ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए स्टेशन भी क्यों आना। तो काफ़ी अच्छा है ये, बहुत प्यारा बना दिया अभी, बल्कि बाहर की जो पार्किंग वगैरह जो एरिया वो भी बन ही रहा है। छोटे बड़े नहीं है ऑरेंज और चिप्स नूरी वाला तो नहीं, नूरी वाला नहीं खाती हूँ, ये प्लेन वाला रखा, ये वाला नूरी वाला नहीं खाती यार ये ठीक। यहाँ क्यों लगा रखे होंगे, बन रहे भी यहाँ पर? अच्छा यहाँ पर अभी इस टाइप का बनेगा शायद, इस टाइप की पार्क बनेगी यहाँ पर। This is the piece of line. इसको सीधा अंदर ही खिसकाएंगे ना यहाँ। पीलर ही पीलर डाल। मैं गई हूँ खराओके में। खराओके बोले तो खराओके ही ना आया हूँ। कौन? आए होंगे। खराओके जाते हैं तो खराओके में हम अपने मतलब वैसे तो ज़्यादातर इंग्लिश और जापानी सॉन्ग ही होते हैं और हम वहाँ पे अपना आराम से गाना गाते हुए अपनी पार्टी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ भी मंगा सकते हैं, पिज़्ज़ा खाना वगैरह कुछ भी जो भी है। मतलब एक वहाँ पे एक पर्सनल रूम टाइप का रहता है, वहाँ पे अपने आप के सारे जो भी आपके ग्रुप्स के या जो भी आप फ्रेंड्स होते हैं वो लोग रहते हैं। गाइस ये मैंने लगा रखा है क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है और यहाँ का स्टेशन का नज़ारा दिखा दूँ मैं। ये है क्या देंसा होती है ये, इस देंसा का नाम मुझे भी याद, ट्राम बोलते हैं, ट्राम जापानी में ट्राम बोलते हैं ये कुचू देंसा। गाइस मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि ये ट्रेन वो ट्रेन, मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि यहाँ पे 3-4 तरह की ट्रेनें चलती हैं, तो एक जो मैं जॉब पे भी मतलब जो मैं जॉब जाती हूँ जिस ट्रेन में डेली जिसमें जॉब जाती हूँ वो है JR स्टेशन से जाती हूँ। और अगर हमें कभी घूमने जाना है या फिर मतलब डिपेंड करते हैं हम किस एरिया में जा रहे हैं, जैसे कि अभी हम निशिरोशिमा आए तो हम JR स्टेशन से ही आए हैं, और अगर हम जाएंगे हंदोरी साइड या फिर कहीं और अगर हम जाएंगे तो मैं बताऊंगी। हंदोरी साइड
दूसरी साइड जाएंगे तो हम अस्टम वाली ट्रेन यूज करती हूँ। जैसे कि मैंने अपने इससे पहले वाले ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं अस्टम लाइन यूज कर रही हूँ और मैंने बताया था कि कैसी है वो। और एक और है, ये है जो ट्रेन, मतलब अब यहाँ पे हिरोशिमा में तो तीन तरह की ट्रेन चलती हैं, और जगह तो और टाइप की भी चलती हैं शायद, मतलब जैसे कि ये है निशिरोशिमा का। और जो वो ट्रेन है, जो क्या बोलते हैं इसको, ट्राम, हम तो ट्राम ही बोलते हैं वैसे, इस पे यहाँ रोड पे ही चलती है और वो रेड, मतलब बस की तरह ही होती है, वो होती तो छोटी है लेकिन बस की तरह होती है। यहाँ पे जहाँ पे मतलब रेड लाइट होगी, जहाँ पे ग्रीन लाइट होगी, उस तरह से मतलब रुकती और चलती है। और उसमें टाइम का कोई, थोड़ा सस्ती होती है वो, ज़्यादा महंगी नहीं होती है और ट्रेन से। और वैसे अगर कोई बस में जाएगा यहाँ पर तो बस बहुत महंगी पड़ती है, ट्राम का नहीं, ट्राम में भी सस्ता ही होता है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता है। और बस का एक जैसा रेट होता है। इस यहाँ पे ट्रेन के भी पटरी है बीच में, वो इसी पे चलती है। और जैसे मैं बता रही हूँ कि वो मतलब रेड लाइट होगी तो रुक जाएगी, उसमें मतलब टाइम फिक्स नहीं रहता कि मैं इतने टाइम पे तुम्हें वहाँ पहुँचा रहा, ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल फिक्स का, मतलब ऐसे नहीं होता कि हमें, जैसे ट्रेन है, ट्रेन में हम जल्दी पहुँचते हैं JR स्टेशन, मतलब यहाँ पे अगर हम अपनी पर्सनल गाड़ी लेंगे कि हाँ भाई हमें पर्सनल गाड़ी में जाना है तो गाड़ी में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रेन ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। डिपेंड करते हो कहाँ जा रहे हैं, अगर हाँ आपको कंट्री साइड या कहीं दूसरी जगह घूमने जाना है तो तब तो कार यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मली अपना ज़्यादा यूज़ वो करते हैं। फिर यहाँ पर पार्किंग की भी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से ज़्यादा ट्रेन यूज़ होती है, सस्ती भी पड़ती है, और अगर दूर जाना है तब तो अपनी पर्सनल कार ठीक पर रहती है। और यह है हिरोशिमा का नज़ारा, सॉरी रहा निशी हिरोशिमा। और ये यहाँ पर इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड हो रही है, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, गर्मी में भी चलती है यहाँ पे, मतलब अगर हमारे लिए यहाँ पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब भी हम यहाँ पे आते हैं हम सोचते हैं कब जल्दी से निकले। और संगीता भी ऐसी बोलती है हमेशा, संगीता भी ऐसी बोलती है कि यहाँ पर ये पुल पता नहीं क्यों इतना ठंडा, शायद ये यहाँ पर ये नदी है इसलिए। और वैसे ये नदी हर जगह ही है, मतलब मेरे घर के बगल में भी है, वहाँ पर इस वजह से ज़्यादा ठंडा होता है। आज की पार्टी का मेन जो है वो है जो भाभी और विधि आए इंडिया से, इसलिए पार्टी हो रही है तो उनको बुलाया गया, तो हम तो फिर आएंगे ही, तो सब साथ में ही रहते हैं हम, तो अच्छा लगता है ना, एक एक फैमिली आगे, मतलब वो दो आते और हम लोग नहीं तो मतलब वो मज़ा नहीं रहता, इसलिए हम लोग पार्टी करते हैं साथ में। पार्टी का मतलब कि खाने भी बुलाए विधि को, इनवाइट करा है संगी ने अपने घर, तो हम लोग भी, हमारे भी मज़े आ गए विधि की वजह से। बहुत ठंडा हो रहा है इसलिए मैंने ये पहन रखा है, टोपी नहीं पहनी आज, क्योंकि टोपी में क्योंकि हमेशा ही पहनती हूँ। वैसे वो आगे पीछे सेम ही लगती है, अगर हम हंदोरी की तरफ से, मतलब अगर हम हंदोरी में घूम रहे होते वहीं से अगर आते तो हम इसी में आते, ये ज़्यादा नज़दीक पड़ता, लेकिन हम घर से आए तो घर से हमें JR ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। भाई की सस्ता और ये वाली आगे, ये आइकन जा रही इधर ही है शायद आगे बेदू, तो ये विधि को हमने पैक कर रखा है पहला ना दूसरी लाइन में। आह तो हम पहुंच गए, संगी बुआ के घर पहुंच गए, हम संगी बुआ के घर पहुंच गए। तो ये है भाई संगी, कैसे हो? हाय बाबू, मेरा बुआ एरा दीदी से के उठ से के मेरे आते आते गिर गए यार, देख इसके आप टेबल में लग गए, तब तभी तो लेट हो गया, यहां लो रखो जहां पे। हां दीदी तुम रोए, तो ये आज के गेस्ट ये रहे, नाइस फ्लावर आज भी क्या कहाँ पे लगी, थोड़ी देर में आने थोड़ा एक्टिव। हम बैठ गए हैं संगी के यहाँ और यह एज यूजुअल गढ़वाली गानों के साथ, तो हम गढ़वाली जहाँ भी होते हैं अपना, मतलब अपना क्या बोलते हैं, अपना वो नहीं छोड़ते, क्या अपना कल्चर नहीं छोड़ते हैं। देखो
अपनी संस्कृति और अपनी गढ़वाली जो बोली है उसे नहीं छोड़ रहे हैं। तो जहाँ भी जाओ अपने गढ़वाली गाने चल रहे हैं, गढ़वाली बोली चल रही है। जिस भी घर में चल जाओ, इस हिरोशिमा में अभी तक जिसके घर भी गई होंगी जो गढ़वाली हैं, तो गढ़वाली गाने चल रहे हैं अंदर। वैसे अधिकतर विदेशों में जो है वो है गढ़वाली लोग हैं जिन्होंने, मतलब अगर मैं होटल लाइन की बात करूँ तो होटल लाइन वाले ही ज़्यादा विदेश में हैं, और खासकर उत्तराखंड की बात कर रही हूँ। मुझे मतलब और भी ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं है, वो नहीं बोल रही मैं। जैसे कि अधिकतर होटल लाइन वाले कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं या फिर आर्मी में है। उत्तराखंड के लोग मतलब काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं और यहाँ पर विदेश में आने के बाद भी नहीं फोन से नेट कनेक्ट कर रखा सब कुछ नेट पे खाली प्लेट। अभी लिखते थे ऐसे इसमें गाना चेंज कैसे करते हैं। ये भी हो गई है तैयार खाने के लिए, उसका जो क्या बोलेंगे एप्रॉन था उसके लिए उसकी बुआ ने बहुत चीजें, बहुत टाइप की चॉकलेट्स रखी हैं, जैम्स रखे हैं और ये बहुत सारे, ये क्या है, ये क्या है, छोटे छोटे टैडी है। और ये हमारी बिदी है, ये देखो बिदी ने अटैक कर दिया सीधे जैम्स पे। लॉलीपॉप नहीं खाना बाबू, बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिदू मछली जल की वो नया साफ कर रखे। दीदी गुगुती तेज बोलो ना, गुगुती नीचे वाले को तो इसमें एक्शन होता है ना। भाई गढ़वाली जब मना चार ही डांसर आज, दो चार लोग और भी हैं वो भी शामिल हो जाओ। कौन है, क्या हो गया, क्या काले भक्त मामा का सिरा काले भक्त मामा का सिरा सुनी बग काले भक्त मामा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। भगत मामा का सिरा मीना ले।